अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, जहां से भी आप अपनी होस्टिंग लेते हैं, जिस भी कंपनी से लेते हैं, तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देगी सीपैन का, तो आपने वहां पर लॉगिन कर लेना है। तो जिस तरह से मैंने अपने सीपैन के अंदर लॉगिन कर लिया है, ये एजुकेशन होस्ट की होस्टिंग है, तो इनकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, आप भी बाय कर सकते हैं। तो डोमेन मैंने अटैच कर ली थी अपनी, ये देखिए डोमेन, इट्स माय डोमेन एंड माय यूज़र नेम इज़ हियर। सो अब हम यहाँ पर अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड डाउन करके जाएंगे, तो ये हमारी वर्डप्रेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको क्लिक करेंगे जी, तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह सा डायलॉग बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है सिंपल जी। तो यहाँ पर आपसे कुछ पूछ रहा है कि वर्जन आप कौन सा देना चाह रहे हैं यहाँ पर वर्डप्रेस का। उसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपने HTTPS प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया हुआ है या नहीं, और फर्दर आप HTTPS के आगे www लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे। तो उसके बाद यहाँ पर आपका डोमेन का नेम, और आगे आप ये कह रहे हैं कि डोमेन के नेम से आगे की डायरेक्टरी में आप जाकर इसकी इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं या सिंपल, तो मैं सिंपल इसको लेके चलूँगा। ओके सो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नेम, तो मैं कंप्यूटर कोड ही दूँगा। ओके तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कुछ भी, मैं चले ऑनलाइन स्टोर कह देता हूँ इसको। ओके यहाँ पर यूज़र नेम आपने रखना है, यूज़र नेम वो रखिएगा जो आपको याद रहे, तो मैं अब आपको यूज़ करूँगा। और यहाँ पर पासवर्ड वो रखिएगा जो आपको कल को याद रहे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर कुछ पासवर्ड दे देता हूँ। ओके सो उसके बाद यहाँ पर आपने मेल देनी है अपनी। ओके सो आई गिव सम ईमेल। ओके तो ईमेल मैं दे चुका हूँ एडमिन मेल, जिस पे सारे आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें मिलती रहेंगी। यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लिमिटेशन अटैम्प्ट हो लॉगिन पर जी, बिल्कुल कोई फर्ज किया कि कोई 2 या 3 से 4 दफ़ा जो है अटैम्प्ट करता है हमारी वेबसाइट को हैक करने की, तो उसकी IP जो है वो कुछ अर्से के लिए ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम लॉगिन लिमिट्स जो हैं उनको अटैम्प्ट जो उनको रखेंगे अपने पास। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंस्ट्रक्शन जहाँ पर आप सेंड करना चाह रहे हैं हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की, तो उसका ईमेल दीजिए। उसके बाद सिंपल हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो विद इन फ्यू सेकंड हमारी जो है वो वेबसाइट जो है वो क्लियर हो जाएगी, वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो जाएगी हमारी डोमेन के ऊपर जी। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब सिंपल हम यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं हमारी डोमेन के ऊपर जो वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल की है। तो आप देख सकते हैं एडमिन पैनल यहाँ पर इस तरह से ओपन होगा, अभी हम चेक कर लेते हैं कंप्यूटर को डोमेन के साथ। ओके सो ये देखें, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अगर मैं एडमिन पैनल में यहाँ से जाना चाहें तो मैं WP एडमिन टाइप करूँगा और मेरे पास एडमिन पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके जी, ये आज हमने देखा था कि हम किस तरह से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस पर। अगर हम इसके अंदर थीम वगैरह इंस्टॉलेशन और प्लगइन्स को भी देखेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।